सो अगेन वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में बात करेंगे मीशो एडवर्टीजमेंट के बारे में। सो मीशो पे एडवर्टीजमेंट जो फीचर है वो काफ़ी टाइम से लाइव हो गया है। बहुत सारे सेलर्स उस पर दबा के पैसा लगा रहे हैं। बहुत सारे सेलर कहते हैं कि नहीं, वो जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है। सो आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा एकदम कि आपको मीशो एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको मीशो एडवर्टीजमेंट किन प्रोडक्ट पर करनी चाहिए, किन प्रोडक्ट पर नहीं करनी चाहिए, आपको मीशो एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा लगाना चाहिए, राइट? और लगाते हैं तो आपको कितना फ़ायदा उससे होने वाला है, क्या ये जस्ट एक ट्रैप है आपके पैसे लेने का मीशो का, या फिर इससे कोई फ़ायदा भी आपको होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली वीडियो को। सो जैसे कि आपको पता होगा यार, आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर ही रहे होंगे। सो अगर आप मीशो पर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो किस तरीके का आपका प्रोडक्ट मीशो पोर्टल पर शो होगा वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। मीशो का मोबाइल वर्जन जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक जस्ट एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। सो जैसे मान के चलिए मैंने टी शर्ट फॉर बॉय करके सर्च किया, राइट? तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप में जो ये प्रोडक्ट आ रखा है तो इसके नीचे लिखा हुआ है एड, राइट? तो दैट मीन्स इस प्रोडक्ट का उतना मीन्स क्वालिटी उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी अच्छी सेल भी नहीं है, विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इन सेलर ने बहुत अच्छा इस पे एडवर्टीजमेंट पे बर्न कर रखा है, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगा रखा है, तो इसका एड यहाँ पे आ रखा है, देख सकते हैं ऐड करके। नेक्स्ट टी शर्ट पे ये वाला जो प्रोडक्ट है इस पे ऐड नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिकली आगे रैंक कर रहा है, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, ये भी ऐड नहीं है, ये भी ऐड नहीं है, तो टॉप में यहाँ पे ऐड दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए, सीधी सी बात है, जो जितना भी प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट होती है वो आगे आगे शो होती है। अब इसमें आप कभी भी दिमाग में ये मत सोचिएगा कि मान के चलिए भाई आज आपने एक टी शर्ट लिस्ट किया और आज आप उस पर ऐड चला देंगे तो कोई भी टी शर्ट सर्च करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो, एडवर्टीजमेंट करने से आपकी जो रैंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, टॉप में आपका प्रोडक्ट कभी भी ऐसा नहीं टॉप में आ जाएगा। अब जैसे अगर इस प्रोडक्ट पर ऐड नहीं लगाया जाए तो ये दूसरा तीसरे पेज पर आ ही जाएगा, लेकिन ऐड लगाया तो ये टॉप में आया है। तो इस तरीके से मीशो क्या करता है, एक ऐड का प्रोडक्ट, फिर बिना ऐड वाले प्रोडक्ट, फिर ऐड वाले प्रोडक्ट, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट अपने कस्टमर को शो करता है, राइट? ये बिडिंग पे भी डिपेंड करता है, वो बिडिंग क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। उसी के साथ साथ एक और एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान के चलिए मैंने कुर्तीज करके टाइप किया तो पहला प्रोडक्ट देख सकते हैं ऐड आया है, दूसरा ऐड फ्री है, तीसरा भी ऐड फ्री है, चौथा भी ऐड फ्री है। तो इनका कुछ अपना कंसेप्ट होता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट वाला प्रोडक्ट कहाँ प्लेस करना है, राइट? और इससे ऑब्वियसली ज़्यादा ऑर्डर इस सेलर को आने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट का पूरा फंडा होता क्या है, ठीक है? तो अब मीशो में अगर आप ये बायर सप्लायर पैनल है आपका, लेफ्ट साइड में एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये एक सेलर है जिन्होंने 1,21,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने एडवर्टीजमेंट पे। रेवेन्यू उससे 9,33,000 रुपये का आ रखा है। दैट मीन्स जितना आपने पैसा लगाया उसका 9 गुना पैसा आपका वापस आया है, राइट? अभी 9 गुना जो पैसा आया है दैट मीन्स ये रेवेन्यू है, इसमें से प्रॉफिट भी निकालना आपको पड़ेगा। अब मान के चलिए ये अगर रेवेन्यू है तो अगर मान के चलिए एक सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो 20% का रहता है तो इसमें से लगभग 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बन गया। तो 1,21,000 रुपये लगा के 2 लाख रुपये आए हैं तो ठीक है, उतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन ठीक है, राइट? ऑर्डर्स ये हैं, ये क्लिक्स हैं, ये व्यूज़ हैं एंड ये ROI है, कितना परसेंट का ROI आया है। तो आप अगर रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे स्पेंड से तो ये ROI आ जाएगा। ROI मतलब कितना परसेंट का आपका रेवेन्यू आया है। और अगेन आपको ये बात बता दूं, ROI ये रेवेन्यू है ना कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप इस रेवेन्यू में से निकालोगे, राइट? सो अब बता देता हूं मैं आपको, आपको एड चलाना कितने का चाहिए, ठीक है? तो मान के चलिए आपका जो मंथली प्रॉफिट हो रहा है, देखो एडवर्टीजमेंट हमेशा प्रॉफिट में से निकाल के चलाते हैं ना कि आपका टोटल सेल में से, ठीक है? तो मान के चलिए आपका मंथली प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1 लाख रुपए का हो रहा है, ठीक है? तो 1 लाख रुपए का जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 लाख रुपए का कुछ भी नहीं तो 20% आप अभी के टाइम पे एडवर्टीजमेंट के लिए ज़रूर निकालिए। तो ऑब्वियसली 1 लाख का 20% जो होता है वो 20,000 रुपीज़ होता है। तो ये मैंने मैक्सिमम बता दिया, आप 20,000 निकालिए अपने
प्रॉफिट में से, अगेन प्रॉफिट में से, नॉट रेवेन्यू में से, क्योंकि रेवेन्यू में से प्रॉफिट बहुत कम हो सकता है. सो अगर आपका जितना भी प्रॉफिट है उसका 20% आप मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट के लिए निकालिए, और एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है, बट किस तरीके से करना है वो डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि 20,000 रुपये कहीं भी लगा दिए, राइट. या आपका 50,000 का है तो 10,000 बनते हैं. अगर आपका 20,000 का प्रॉफिट है तो उसमें से सिर्फ आपका 4,000 रुपये एडवर्टीजमेंट में जाना चाहिए, ठीक है. तो अब मैं बात करता हूँ कि एडवर्टीजमेंट को लगाना कैसे, उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट पे लगाना होता है, ठीक है. क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, राइट लेफ्ट साइड में आपने ऑप्शन देख लिया होगा, इसको हम रिमूव कर लेते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन का आप नाम देते हैं. आप कैंपेन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मीन्स आपको जिससे याद रहे कि मैंने कौन सा एडवर्टीजमेंट इसमें चलाया था. मान के चलिए अभी होली आ रही है तो होली स्पेशल करके मैंने एक ऐड चला दिया, ठीक है. होली स्पेशल मैंने इसमें नाम लिख लिया. अब हम तीन तरीके से प्रोडक्ट, अब किस प्रोडक्ट पे चलाना है ये या तो मीशो सजेस्ट कर रहा है, देखिए रिकमेंडेड है, तो अगर आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑलरेडी आपके कुछ प्रोडक्ट पे जिन पे मीशो सजेस्ट कर रहा है उस पर ऑलरेडी ऐड चल जाएगा. लेकिन मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इनको मत करिए, इससे मीशो का प्रॉफिट है आपका नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पे न्यू कैटलॉग, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो नए कैटलॉग हैं, नया आपने प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ है, उन पे आपके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल जाएगा, ठीक है. इसको भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा आप मैन्युअली टाइप करिए, ठीक है. मैन्युअली कोशिश करिए कि मैन्युअली मैं प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट लगाऊँ. तो आप कैसे टाइप के प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपका न्यू लॉन्च हुआ है, ठीक है. अब जो प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है ऑब्वियसली उसको एक विजिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. पहला आप एडवर्टीजमेंट उस पर लगाएं, उस पर एडवर्टीजमेंट आप लगाएं, फिर देखें कि उसकी सेल आ रही है या नहीं आ रही है. क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट जब लगाते हैं तो व्यूज़ तो आते ही हैं, लेकिन अगर सेल आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है कंटिन्यू करिए, नहीं आ रही है तो उसका प्राइसिंग में चेंजेस करिए. बहुत सारे सेलर सोचते हैं मैंने ऐड चलाया फिर भी नहीं आया रिजल्ट तो भाई ऐड ठीक नहीं है. ऐसा नहीं होता गाइस, एडवर्टीजमेंट एक टाइप से एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि प्राइस आपने सही डिसाइड किया है या नहीं किया है, ठीक है. तो नए प्रोडक्ट पे मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा, पुराने प्रोडक्ट पे मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि मान के चलिए आपके टॉप 3 जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं उन पे आप डेली का एडवर्टीजमेंट चला के चलिए, राइट. ऐसा क्यों, देखिए डेली एडवर्टीजमेंट का जो बजट है मीशो पे वो है 300 रुपये का, राइट. और आपका एक प्रोडक्ट पे मान के चलिए टॉप 3 प्रोडक्ट पे आप चलाते हैं, ठीक है, तो एक पे 300 तो 3 पे आपका 900 रुपये, मतलब लगभग मोटा मोटा आपका 1,000 रुपये डेली के खर्च होंगे. इस हिसाब से 30 दिन के आपके 30,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, राइट. अगर आपका मान के चलिए आपको लगता है कि नहीं यार मेरा 30,000 रुपये बजट नहीं है एडवर्टीजमेंट का, तो आप अगर बजट को 15,000 करना चाहें तो हर दूसरे दिन आप ऐड चलाइए, राइट. ऐसा नहीं कि 15 दिन चला दिया 15 दिन नहीं चलाया, हर दूसरे दिन ऐड चलाइए. अगर आपका 15,000 भी बजट नहीं है, 7,000 है, तो हर तीसरे दिन ऐड चलाइए. 7,000 भी नहीं है आपका, आपका उससे भी कम है, 3,000, 4,000 है, तो हर चौथे दिन पांचवें दिन ऐड चलाइए. बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एडवर्टीजमेंट में आपके प्रोडक्ट के पिकअप बनाने में, राइट. तो टॉप प्रोडक्ट पे इस तरीके से और न्यू प्रोडक्ट पे भी मैंने बता दिया है. अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट करना है, ठीक है. मान के चलिए मैनुअली सेलेक्ट करते हैं आप ये वाला प्रोडक्ट. अब आपने प्रोडक्ट का कैटलॉग आईडी यहाँ पे डालेंगे, उससे आप सर्च कर सकते हैं, या अगर यहीं पे प्रोडक्ट आपको शो हो रहा है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं. मान के चलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ये रिकमेंडेड है, इस पर मैं क्लिक नहीं करूँगा. रिकमेंडेड पे भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगेगा आप यहाँ से सर्च करके उस प्रोडक्ट को टिक कर लेंगे, ठीक है. इसको टिक किया और सबमिट कैटलॉग कर दिया, ठीक है. तो ये प्रोडक्ट सबमिट मेरा हो गया. और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा आपको कि एक जब आप एक ऐड चलाते हैं तो उसमें एक ही प्रोडक्ट को पुट करिए, मल्टीपल प्रोडक्ट को पुट मत करिए, ठीक है. क्योंकि मान के चलिए मैं ये प्रोडक्ट डालता हूँ तो इसके जितने भी कलर हैं जितने भी साइज हैं वो सारे शो हो जाएंगे, राइट. तो आप हमेशा एक प्रोडक्ट का, मान के चलिए एक प्रोडक्ट है उसको डालिए, उसके अगर कलर वेरिएंट है आप उन पे डाल सकते हैं, लेकिन साइज वेरिएंट पे कभी नहीं डालना चाहिए, ठीक है. और जो अट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा बिकता है कलर उस पे डालिए, जो सबसे ज़्यादा बिकता है साइज उस पे डालिए, ठीक है. तो कैटलॉग आईडी से आप यहाँ पे प्रोडक्ट को आपने सर्च कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सारा इसका डिटेल शो हो जाएगा, राइट. अब मैं एक चीज़ सजेस्ट कर रहा था आपको कि आप एक ऐड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट डालिए, अगर 3 प्रोडक्ट हैं आपके तो 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट चलाइए. इससे क्या होगा,
हर प्रोडक्ट को आप अलग अलग तरीके से जज कर पाओगे, क्योंकि अगर एक ही में तीन डाल दिए तो दो प्रोडक्ट अच्छा खींच लेंगे, अच्छा पैसा खर्च कर देंगे, एक करेगा ही नहीं, तो वो आपका क्या वो हो जाएगा, तीन पाँव वाला घोड़ा हो जाएगा, राइट। तो आपने कोशिश करनी है कि टॉप थ्री पे चला रहे हैं तो तीन एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाइए, अगर आपने अभी एक नया कैटलॉग लॉन्च किया है तो एक एडवर्टीजमेंट उस पर रन करिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये इसके ऑर्डर इन लास्ट 30 डेज आ गए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई, स्टॉक आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट पर क्लिक, आप एक क्लिक पे कितना पैसा देना चाह रहे हैं मीशो को, राइट। मीशो पे बायर आएगा, मीशो आपका प्रोडक्ट बायर को दिखाएगा, वो क्लिक करेगा जब तब पैसा कटेगा, ना कि वो दिखाएगा किसी को आपका प्रोडक्ट तब पैसा नहीं कटेगा, जब कस्टमर क्लिक कर लेगा तब पैसा आपका कटेगा। कितना पैसा आप चाह रहे हैं कि एक क्लिक पे कटे, ठीक है। तो मान के चलिए इसको मैं, वैसे तो ये मिनिमम है, मान के चलिए मैं इसको 20 कस्टमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप कुछ भी कस्टमाइज़ करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि CPC शुड बी बिटवीन 0.34 पैसा टू 5 रुपये, मतलब आप 34 पैसे से लेके 5 रुपये तक का पर क्लिक पे मीशो को दे सकते हैं। अब इससे कम क्यों नहीं दे सक रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस कैटेगरी में ऐड चल रहे होंगे, अगर आप इससे कम दोगे तो आपका प्रोडक्ट आगे शो नहीं होगा। और 5 से ऊपर क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 5 रुपये मैक्सिमम है, आप अगर 5 रुपये देंगे तो आपका पैसा जल्दी कटेगा लेकिन टॉप में आएगा। तो इसको बोलते हैं बिडिंग, जो जितनी ज़्यादा बिडिंग रखेगा, जितनी हाई बिडिंग रखेगा, उसका प्रोडक्ट उतना आगे शो होगा, राइट। तो दो चीज़ें मैटर करती है प्रोडक्ट को आगे शो करने में, पहला कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंट आप ऐड चला रहे हैं महीने में, और दूसरा आपने बिडिंग क्या रखी हुई है। तो हम मिनिमम बिडिंग इसमें सपोज मान के चलते हैं, क्योंकि इसकी अभी सेल भी कम है तो बिडिंग भी हम इसको कम ही रख के चलते हैं, सपोज इसका मिनिमम 3.4 हम रख लेते हैं, ठीक है। 3.4 की बिडिंग हमने इसमें सेट कर दी है, तो 3.4 पैसा मेरा हर क्लिक पे जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसमें और भी कैटलॉग डाल सकता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या आप डेली बजट चलाना चाहते हैं या टोटल चलाना चाह रहे हैं, टोटल इतने रुपए का या डेली। तो मैं डेली हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा, और डेली में भी जैसे मैंने बताया, या तो आप डेली करिए, सॉरी, या तो आप हर दूसरे दिन करिए तो उसको पॉज करते जाइए, पॉज करने का भी ऑप्शन होता है, हर तीसरे दिन करना चाहते हो तो पॉज कर करके डेली उसको चलाना आपको, लेकिन डे वाइज है, ना कि टोटल चलाना है, ठीक है। टोटल आप तभी चलाइए जब आप बहुत बड़े सेलर हैं, आपका 1,00,000 रुपये का बजट है, चला दीजिए एक बार में, जब खत्म होगा तब देखी जाएगी, ठीक है। डेली वाला चलाते हैं, मिनिमम आप 300 रुपये लगा सकते हैं, तो मैं इसमें 300 रुपये ऐड कर देता हूँ, 300 रुपये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, यू कैन नाउ एडवर्टाइज अप टू 20 कैटलॉग इन जस्ट 300 रुपये, तो 300 रुपये में आप 20 प्रोडक्ट डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे एक ही डाला है तो आप 20 डाल सकते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार 300 में आप एक ही प्रोडक्ट एडवर्टीज करने की बोल रहे हैं जबकि मुझे 20 करने का ऑप्शन है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप 300 रुपये में एक प्रोडक्ट करोगे तो सारा 300 रुपया एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे लगेगा और उसकी सेल भी आएगी। अगर आप 300 प्रोडक्ट 20 कैटलॉग पे लगाओगे तो एक को कितना मिल रहा है, एक को मुश्किल से 15 रुपये मिल रहे हैं एक कैटलॉग को, तो 15 रुपये में क्या लगता है आपको आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतनी बढ़ पाएगी, और किसी भी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं बनेगी, 20 के 20 का रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक एक करके ही चलाएं इसको। अब आपको क्या करना है, कैंपेन ड्यूरेशन यहाँ पे रखना है, कैंपेन ड्यूरेशन आप रख सकते हैं कब से कब तक मुझे चलाना है। अगर आपका डेली टोटल बजट आपने यहाँ पे लगा दिया है तो तब आप इसको सेट करें, अदरवाइज नो एंड डेट करके आप इसको डेली चला दें। अब एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि बहुत सारे सेलर नहीं ध्यान रखते हैं और उस चक्कर में पैसा उनका बहुत डूब जाता है, वो है डेली बजट चला के रख दिया और यहाँ नो एंड डेट पे क्लिक कर दिया और इसको सबमिट कर दिया और उसके बाद इसको पॉज नहीं किया। अगर आप पॉज नहीं करोगे तो नो एंड डेट आपने इसमें मेंशन करके हर दिन 300 300 300 300 300 जाते रहेंगे जब तक आप पॉज नहीं करोगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट करते हैं, मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐड चल जाएगा उसके बाद, तो सबमिट मैं नहीं करूँगा। सबमिट करते ही आपका एडवर्टीजमेंट लाइव हो जाएगा, और लाइव होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि अभी किया तो अभी आप जाके पैनल पे देख लो लाइव हो जाएगा, कभी 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, राइट। सबमिट कैंपेन यहाँ पे आपको शो करेगा कि आप अगर सबमिट कैंपेन कर देते हैं सारा तो आपका किस तरीके से रहने वाला है। उसके बाद आप कैंपेन सबमिट कर देते हैं, आप उसको देखिए क्या उसका रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप कंटिन्यू एडवर्टीजमेंट चलाइए। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एडवर्टीजमेंट चलाना सही है या गलत है, सही है, ठीक है, अगर अच्छे से चला रहे हैं तो। अगर अच्छे से नहीं चला रहे हैं, आपको नहीं आता है, तो यार मत चलाओ,
पैसा वेस्टेज है और कुछ नहीं। कैसे प्रोडक्ट पे चलाना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, कितना चलाना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट को लेके कोई भी आपका सवाल है मीशो पे तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा और सुन लीजिए। उसके बाद एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो आपका ये पैसा कटेगा तो कई लोगों को लगता है सर मैं डेबिट कार्ड से डालूँ क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं है। आप 300 रुपये लगा के छोड़ दीजिए, वो आपका अगले जो सेटलमेंट है उसमें से कट जाएगा, या कभी कभी क्या होता है 10 दिन बाद सेटलमेंट में वो सेटल हो जाता है। जो भी आप पैसा यहाँ से लगाओगे आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपके पेमेंट में से कट जाएगा, ठीक है। बाकी फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो में कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें मुझे, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। कुछ सर्विसेज पेड होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हम पीछे जाके इसका देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके एडवर्टीजमेंट के रिजल्ट होते हैं। तो देखिए ये नाम है आपके कैंपेन का जो आपने नाम डिसाइड किया था शुरू में, ड्यूरेशन नो एंड डेट वाला है, बजट 500 डेली, ठीक है। बजट कितना यूटिलाइज हो गया है 1500 हो गया है, इसका मतलब ये पिछले 3 दिन से चल रहा है, ठीक है। कैटलॉग इसमें 2 डले हुए हैं, व्यूज़ इतने आ गए हैं, क्लिक्स इतने आ गए हैं। अब देखिए 4000 क्लिक आए हैं, और 4000 क्लिक आए हैं तो हर क्लिक का उतना कटा होगा पैसा जितना सेलर ने डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। ऑर्डर इससे 3 ही आए हैं, रेवेन्यू इससे इतना आया है, मतलब इतने गुना रेवेन्यू आया है, ठीक है। कन्वर्जन बहुत कम है, ठीक। तो इससे देखिए आपके प्रोडक्ट को चाहे सेल कम मिली है लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिली है, ठीक है। तो आपके नए प्रोडक्ट को उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला। कई बार ये भी होता है कि एडवर्टीजमेंट चलाया आपने भाई, इस पे सेल नहीं आई, आप निराश हो गए, लेकिन हो सकता है कई लोगों ने आपका विश लिस्ट में डाल दिया है आपका प्रोडक्ट देख के, वो बाद में भी परचेज कर सकते हैं। हम चाहे तो इस प्रोडक्ट को क्लिक करके इसका देख सकते हैं क्या CPC था, तो 0.55 का CPC इसमें रखा हुआ है। अब देखिए 2 प्रोडक्ट डाले हैं तो एक ने इतने क्लिक ले लिए लगभग 4000, और एक ने 200 ही लिए, तो ये लंगड़ा घोड़ा हो गया। तो सेम एक प्रोडक्ट पे आप एक ही बजट चलाइए, सॉरी एक बजट में आप एक ही प्रोडक्ट को चलाइए, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ही चल रहा है जिस दिन आपको पॉज करना है आपको यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसको पॉज यहाँ से कर देना है। अभी ये लाइव करने का ऑप्शन आ रखा है, यहाँ से आपने इसको पॉज कर देना है, ठीक है। अगर आप पॉज नहीं करोगे तो अगेन आपका रेगुलर पैसा कट जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी एडिट कैंपेन करके पॉज इसको कर दीजिए, अदरवाइज रेगुलर आपका पैसा इस पे कटने वाला है, ठीक है। सो ये था आपका मीशो एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग डीप इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, कीप सेलिंग।